सारी जी से कभी कोई बात नहीं हुई है। अरविंद को नहीं चाहिए सत्ता, ये चुनाव चुनाव नहीं है, ये क्रांति है। मोदी जी को हराने के लिए, क्रांति का आगाज करने के लिए मैं वाराणसी जा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल 3 दिन का पंजाब का रोड शो कर अब बनारस की राह पकड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए भी, और वो इस चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं पहले ही। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां जाकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। अरविंद, सबसे पहले आपका पंजाब का एक्सपीरियंस, जो वहाँ रोड शो आपने किया है, क्या पंजाब में कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है आपको वहाँ पर, आप 3 दिन प्रचार करके आए? देखिए, पिछले 3 दिन में जो कुछ भी देखा पंजाब में, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतने ज़बरदस्त जन समर्थन की। कई गांव से गुजरे, ऐसे लगा जैसे पूरा का पूरा गांव सड़क पे था। कई शहरों से गुजरे, पूरे के पूरे शहर सड़कों के ऊपर थे। इतना अद्भुत नज़ारा मैंने तो कभी नहीं देखा है। इसका क्या कारण है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ तो डिवाइन हो रहा है, समथिंग वेरी डिवाइन इज हैपनिंग, कुछ चमत्कार हो रहा है कुदरत का। हमारे गीता में भी लिखा है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला झाड़ू चलाता है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम लोग बहुत छोटे हैं और कुछ ना कुछ तो चमत्कार हो रहा है, इस देश को जल्दी मुक्ति मिलेगी। लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में आपकी अब उतनी ताकत नहीं बची है, कुछ लोग नाराज़ हैं आपने सरकार छोड़ दी उसको लेकर के, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के बाहर परफॉर्म कर पाएंगे? आप कह रहे हैं पंजाब में कुछ आपने जिस तरीके का रिस्पांस देखा वैसा आपने पहले नहीं देखा, तो आपको लगता है कि दिल्ली में जब ताकत आपकी घट रही है जहाँ से आपने शुरुआत की, तो बाहर आप परफॉर्म कर पाएंगे? ये तो आप लोग कह रहे हो दिल्ली में ताकत घट रही है, किसकी ताकत घट रही है, ये सब मीडिया की क्रिएट की हुई स्टोरीज़ हैं। और दिल्ली के अंदर मेरा तो अपना असेसमेंट है कि पिछली बार से ज़्यादा आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलेगा। देखिए, बेसिक समझने की कोशिश कीजिए, हम ही अपने लिए नहीं कर रहे। बेसिक फ़र्क क्या है हमारे में और दूसरी पार्टियों में, हम ही अपने लिए नहीं कर रहे। ना मुझे सत्ता चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, और दूसरी पार्टियां सारा कुछ सत्ता और पैसे के लिए कर रही है। हम इस पूरी राजनीति को बदल के सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति लाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। नहीं तो हमारे ऊपर हमले क्यों होंगे? बीजेपी वाले कांग्रेस पे हमला नहीं करते, कांग्रेस वाले कभी बीजेपी पे हमला नहीं करते, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले सारे मिलके हमारे ऊपर हमले करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हिल रहे हैं और जनता उसको देख रही है। मीडिया पूरा नेगेटिव दिखा रहा है, वो मीडिया दिखाएगा, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब खरीदा जा चुका है। इतने ऐड। अभी एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था एक अखबार की कि 5,000 करोड़ रुपया बीजेपी वाले खर्च कर रहे हैं। 5,000 करोड़ में तो आप जितने मर्जी चैनल खरीद लो, नए चैनल जितने मर्जी शुरू कर लो, जितने मर्जी अखबार खरीद लो। ये आरोप तो अरविंद आप लगाते हैं मीडिया पर हमेशा, मैं उससे आगे बढ़ कर के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नेगेटिविटी है कि दिल्ली में समर्थन कम हो गया, ये समर्थन कम हो गया, वो समर्थन कम हो गया, दिल्ली में भी आप आए थे हमारे रोड शोज़ में, अभी आपको कहाँ समर्थन कम दिखाई दिया? पिछली बार से तो कहीं ज़्यादा समर्थन था, पिछली बार से कहीं ज़्यादा लोग रोड शो पे थे, पिछली बार से 3 गुना लोग रैलीज़ में आ रहे थे। तो पहली चीज़ तो आपके प्रश्न का पहला ये कि वो गलत है। दूसरा चीज़, हम फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ सत्ता और उसके लिए नहीं आए हैं, पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। वहाँ अद्भुत हो रहा है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं और इतनी भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, जिसका मुझे भी यकीन नहीं था। दिल्ली के अंदर कम से कम हम एक असेसमेंट कर पा रहे थे। जब हमने दिल्ली का विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कोई मुझसे पूछता तो मैं कह सकता था। अभी जो मैं देख रहा हूँ पंजाब में पिछले 3 दिन में जो देखा, वो चमत्कार के सिवा कुछ नहीं हो सकता। फिर से मैं ये कह रहा हूँ, इट इज़ समथिंग वेरी डिवाइन दैट इज़ हैपनिंग। मैंने तो इस तरह का अद्भुत नज़ारा नहीं देखा कि पूरा शहर सड़क के ऊपर। अरविंद, वो रोड शो के दौरान हमने भी कई जगहों पर आपकी मीटिंग्स में सुना जो आप लोगों से बात कर रहे थे। आप अकाली दल पर बहुत तीखा हमला कर रहे थे, आप ड्रग्स के धंधे के साथ नाम जोड़ रहे थे अकाली नेताओं का। हाँ, वो तो है ही, सारे अखबारों में छप रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सारे अखबारों में पंजाब में इन दिनों में छपा है, वो सारे मैं पढ़ के गया था। उन सारे अखबारों में उनके ऊपर आरोप है
मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहे थे और मैंने तो जनता से पूछा, आपने देखा होगा, मैंने जनता से पूछा, जनता ने नाम थ्रो किया, तो इट वॉज ऑल इन द एयर। देखिए कितने दुख की बात है, पंजाब एक वो राज्य होता था जिस पे सारे देश को गर्व था, रिचेस्ट स्टेट, रिचेस्ट फार्मर्स, मतलब सबसे वेल ऑफ फार्मर्स होते थे हमारे पंजाब के। आज किसान भी दुखी हैं पंजाब के और युवा भी दुखी है, युवाओं को ड्रग्स के अंदर धकेला जा रहा है, वो कुछ ही काम करने लायक नहीं बचे हैं। मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का फ़ोन आया इन दिनों, तीन दिन में जब मैं पंजाब में था, उसकी इंडस्ट्री है पंजाब में, वो कहता है कि एक तरफ इतनी बेरोज़गारी है पंजाब में, लेकिन मेरे को अपने शहर में काम करने के लिए लड़के नहीं मिल रहे, जो देखो वही ड्रग्स में है, जो देखो वही ड्रग्स में है, और ड्रग्स का धंधा जानबूझ के सरकार के कुछ मंत्री चलवा रहे हैं। मतलब जो सरकार अपने युवाओं को ड्रग्स में धकेलती जा रही है, बेसिकली उनको वेजिटेबल बनाने के लिए, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बहुत ही डेंजरस स्थिति है। मैं आपकी भाषा की बात करूं तो आप सीधे सीधे ये कह रहे थे अपनी रैलियों में कि अकाली दल के नेता जो हैं वो ड्रग्स के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ये भी अखबारों में ही छपा हुआ है, मैं अखबार की कटिंग आपको दिखाऊंगा, उसमें एक खेप पकड़ी गई थी, एक माफिया पकड़ा गया था जिसने मजीठिया का नाम लिया था, और उसी में लिखा हुआ था, उसी व्यक्ति ने बोला था जो माफिया का लीडर, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसी ने बोला था और सारे अखबारों में आया था कि ये जो पैसा है ये इलेक्शंस में यूज़ होता है, जो ड्रग का पैसा है। आप लगातार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले करते रहे हैं, अब राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी पर उसी तर्ज पर हमला कर रहे हैं, वो मुद्दे भी, उन मुद्दों का जिक्र भी हो रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की पत्नी के बारे में सवाल उठाया कि उन्होंने अब डिक्लेयर किया है अपने उसमें, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए मैंने कभी भी नरेंद्र मोदी जी की पत्नी पे नहीं किया, जो कुछ भी है मुझे लगता है उनका पर्सनल वो है, मैं राजनीति में किसी की पर्सनल ज़िंदगी को नहीं लाना चाहूँगा। हालांकि मतलब एक मन में ये आता है कि उस महिला के ऊपर इतने सालों में क्या गुजरी होगी, लेकिन फिर भी मैं उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी और मोदी जी आपस में जो कुछ बोलते हैं वो सारी तो मैच फिक्सिंग है, वो तो सारी चुनावों के दौरान की बातें हैं। लेकिन आपको कैसे लगता है मैच फिक्सिंग? वो तो बहुत तीखे हमले करते हैं आजकल, तो एक दूसरे पर बड़े ज़बरदस्त आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी जी को हमला किस लिए करना है? जांच करा के जेल भेजे ना। नहीं, आप अदानी की बात कर रहे थे, वो अदानी का नाम भी उन्होंने लिया कि अब अदानी ग्रुप के साथ किस तरीके से आडवाणी को छोड़ करके अब अदानी को शामिल कर लिया बीजेपी में मोदी ने, तो फिर राहुल गांधी जी ने सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराई? देखो कितनी अच्छी मैच फिक्सिंग है दोनों में, सीबीआई राहुल गांधी के कंट्रोल में है, राहुल गांधी सीबीआई से जाँच नहीं कराएंगे, सीबीआई से जाँच करा के वो मोदी जी को जेल भेज दें। और रॉबर्ट वाड्रा की राजस्थान में ज़मीनों के घोटाले हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वो एक भी एफआईआर नहीं कराते, चार महीने हो गए। आज उमा भारती का स्टेटमेंट आया था एक दो दिन पहले कि अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में बन गई तो हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे, उसके लिए केंद्र में सरकार बनने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपकी सरकार तो राजस्थान में है, आप अभी भी रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेज सकते हैं, तो हम कैसे यकीन करें? 49 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर 5 एफआईआर करा दी शीला दीक्षित के खिलाफ, तो 120 दिन के अंदर बीजेपी की सरकार रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ तो करा सकती है, एक एफआईआर तो करा सकती है, जांच तो करा सकती है। वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे बीजेपी वाले, और कांग्रेस वाले नरेंद्र मोदी, रंजन भट्टाचार्य, दूसरों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ये बड़ा अच्छी सेटिंग है, तुम हमारे नेताओं के खिलाफ कुछ मत करो, हम तुम्हारे नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। मुरली मनोहर जोशी ने आज कहा कि मोदी फेस्टो नहीं था, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो था, और साथ ही ये भी कह दिया कि मोदी की कोई वेव नहीं है, बीजेपी की वेव है। कहने दो उनको, आपस में लड़ने दो उन लोगों को, उसमें मेरे को कुछ नहीं कहना। दिल्ली के चुनाव की अगर बात करें तो आपने एक स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली में आपने सरकार मतलब अपनी गिरा करके या सरकार से हट करके आपने गलती कर दी। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, असूलों पे सरकार छोड़ी थी। पहली चीज़ तो ये समझ लेना चाहिए, 49 दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, और हमारे जो
सबसे हार्शेस्ट क्रिटिक्स भी हैं वो भी मानते हैं कि किसी सरकार ने पहले 50 दिन में इतना काम नहीं किया था। बीजेपी और कांग्रेस वाले घबरा गए, उनको ये लगा कि केजरीवाल अगर इसी तरह से काम करता रहा तो दोनों का पत्ता साफ हो जाएगा। दूसरा, मैंने मुकेश अंबानी जी के खिलाफ उसी टाइम FIR की थी। मुकेश अंबानी ने इन दोनों पार्टियों को कहा कुछ भी हो जाए इसकी सरकार गिराओ। 3 दिन बाद विधानसभा का सेशन हुआ, विधानसभा में ये दोनों पार्टियां मिल गई, दोनों की मीटिंग हुई, दोनों ने षड्यंत्र प्लान किया और इन्होंने कुछ भी काम नहीं होने दिया विधानसभा में। हम लोकपाल बिल लाना चाहते थे, स्वराज का बिल लाना चाहते थे, जिन लोगों ने बिजली आंदोलन में भाग लिया था उनको सब्सिडी देना चाहते थे, इन्होंने कोई बिल पास नहीं होने दिया। इस पूरे एपिसोड में आपसे कहीं गलती हुई? मेरी बात तो कर लेने दो यार, आपके जवाब दूंगा मैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो। तो इन लोगों ने कोई बिल पास नहीं होने दिया, इन्होंने कोई काम नहीं करने दिया हम लोगों को। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, ये काम तो करने नहीं दे रहे थे, अब सरकार तो चलने नहीं दे रहे थे। एक ऑप्शन तो यह था कि मैं कुर्सी से चिपका रहता जैसे ये लोग चिपके रहते हैं, पर मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी। मेरी आत्मा ने कहा कि बाहर जाओ, इस्तीफा दे दो और जनता को अब बोलो कि भाई अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, 50 सीट देनी पड़ेगी, 50 सीट दो फिर और काम करके दिखाएंगे। मैंने इस्तीफा दे दिया। उस टाइम मेरे को ये लगता है जैसे विधानसभा में जब इन्होंने रोड़े अटकाए वो तो सारी दुनिया ने देखे, उसी दिन रात को जाके मैंने इस्तीफा दे दिया। वो जनता को शायद एक शॉक लगा एकदम से, उनको उम्मीद नहीं थी। वो अगर मैं 2-3 दिन जनता के बीच में, जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, अगर उस तरह से एक बारी जनता से 3-4 दिन में सभाएं करके जनता से पूछ लेते, जनता को समझा देते, तो वो सिंक कर जाता जनता में। वहाँ मुझे लगता कम्युनिकेशन में गलती हुई। निर्णय ठीक था, असूलों पे छोड़ी सरकार, निर्णय ठीक था। आप खुद ही बताओ, एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत बड़ी होती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना त्याग है। ये लोग क्या समझे त्याग क्या होता है। तो निर्णय तो ठीक था, मुझे लगता है कि जनता को समझाया नहीं हम लोगों ने। और मैंने एक्चुअली उस टाइम अज्यूम किया कि भाई पहली बार भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में, कोई मुख्यमंत्री उसूलों पे छोड़ रहा है, जनता खुद ही समझ जाएगी और जनता इसको अप्रिशिएट करेगी। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन गैप रह गया, समय जो अब आप देखिए, पिछले 10 दिन में मैं जब सड़कों पे उतरा और जनता को समझाने लगा, पूरा माहौल पलट गया, जनता समझ गई, पूरा माहौल पलट गया दिल्ली का, जो इतनी नेगेटिविटी छाई हुई थी सब पलट गया। वो अगर उसी टाइम कर लेते तो जनता समझ जाती। ये सहयोगी आपके वो पलट जाता। आपके सहयोगी प्रशांत भूषण भी यही कह रहे हैं कि आपने किसी से पूछा नहीं, पार्टी से कोई जिक्र नहीं किया, आपने खुद इस्तीफा दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, PAC में डिस्कस हुआ था। अब मुझे याद नहीं है प्रशांत उस मीटिंग में थे या नहीं थे, तो PAC में डिस्कस होके हुआ था। अरविंद, आपने बनारस में जाकर चुनौती देने की बात कही, उसके बाद अचानक से होता है कि मुश्ताक अंसारी कहते हैं कि वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या इन चीज़ों को जोड़ कर देखा जाए? वो तो आप लोग जो मर्जी देख लीजिए, आप लोग तो फ्री हैं, कुछ भी जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन हमारी मुख्तार अंसारी जी से कभी कोई बात नहीं हुई है, हमने कभी उनसे कोई बात नहीं की। फिर किस तरीके से इसको देखा जाए? आपको लगता है कि मुश्ताक अंसारी के मैदान से हटने के बाद वो जो मुस्लिम वोट हैं, वो जो समर्थन है, वो आपको मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा मुश्ताक अंसारी का? हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, जात का वोट, धर्म का वोट, इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते। बनारस की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? आप अब बाकी सब चीज़ें छोड़ करके आप सीधे बनारस जा रहे हैं और उसके बाद बहुत सी जगहों से ये सवाल आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल वक्त नहीं दे पा रहे हैं, बहुत से कैंडिडेट्स ने टिकट वापस कर दिया इस वजह से कि पार्टी सहयोग नहीं कर रही है, उन सारी चीज़ों को क्यों नहीं मैनेज किया गया? या अगर इतने बड़े लार्ज स्केल पर आप नहीं लड़ सकते थे चुनाव, तो 450 सीटों पर टिकट क्यों दिए पार्टी ने? कितने लोगों ने छोड़े हैं? 5-10-15 लोग अलग अलग, अगर पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो 400 में से 5-10 ने छोड़ दिए, तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे तो होता ही है। स्ट्राइक कितना हुआ? less than 1%। वाराणसी में आप जिस तरीके से जा रहे हैं और चुनौती देने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप सपना भी देखते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मोदी हार गए हैं, अरविंद केजरीवाल जीत गए हैं, क्या कैसे करेंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे ये कि एक तरफ लोग कहते हैं, लोगों को कहेंगे यही समझाएंगे कि भैया सोचो,
मोदी जी को जिताने से तुमको क्या मिलेगा और हराने से क्या मिलेगा? वाराणसी में लोगों को जाकर कहेंगे कि सपने देखें। सपना थोड़ी है, लॉजिकली देखें। जिताने से क्या मिलेगा? एक और चुनाव मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। चार सड़कें भी ठीक नहीं होने वाली वाराणसी के। जिताने से क्या मिलेगा? एक और चुनाव मिलेगा, एक महीने के अंदर एक और चुनाव। हराने से क्या मिलेगा? देश की राजनीति में भूचाल आएगा, पूरे देश की राजनीति बदलने के लिए एक संभावना, एक अवसर तैयार होगा, और उसका क्रेडिट किसको जाएगा? वाराणसी के लोगों को। और मेरे को लगता है ये वाराणसी के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से कई क्रांतियों ने जन्म लिया है। अंग्रेज़ों के समय भी वाराणसी ने न जाने कितनी क्रांतियों को जन्म दिया है, वाराणसी ने न जाने कितने क्रांतिकारियों को पैदा किया है। वाराणसी के लोगों के खून में है, उनके कल्चर में है, वो कर सकते हैं ये। आप कैसे समझाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी कुछ बनाई है उसके लिए? आपके वॉलंटियर्स वहाँ पर करेंगे, छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करेंगे, घर घर जाएंगे, पर्चे बांटेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारी मुख्तार अंसारी जी से कभी कोई बात नहीं हुई है। अरविंद को नहीं चाहिए सत्ता, ये चुनाव चुनाव नहीं है, ये क्रांति है। मोदी जी को हराने के लिए, क्रांति का आगाज करने के लिए मैं वाराणसी जा रहा हूँ।